हमारे काशी में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, नई नई परियोजना आ रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हुए हैं। मंदिरों में परिवर्तन का कार्य चल रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जितने गुंडे माफिया हैं सब जेल जा रहे हैं, सबकी संपत्ति जब्त हो रही है। जो विगत 70 साल में जितना काम नहीं हुआ वो मात्र 6 साल में हुआ है। चाहे वो रेलवे का काम देख लीजिए, चाहे रोड का काम देख लीजिए, चाहे नेशनल हाईवे का काम देख लीजिए। पहले से जो सड़कें हैं वो थोड़ा बनी हैं और हर व्यक्ति के अंदर जो डर था वो थोड़ा डर कम हो गया है और हम कोई सुख चैन से जी रहा है। पहले था कि यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, माफिया बहुत ज़्यादा थे। अब उन समूह के ऊपर योगी ने बहुत अच्छा किस मतलब मुख्तार अंसारी या जो है उन समूह के पूरे सब लिया है। 80 घाट पे आरती का समय होने वाला है, उससे पहले आचार्य जी हमसे जुड़ रहे हैं और सबसे पहले उनसे नाम पूछते हैं। सर आपका नाम? बालकृष्ण आचार्य विनाश पांडे जी नाम है। सर आप काशी के कब से वासी हैं? आज 17 साल हो गया। 17 साल? तो आपने क्या परिवर्तन देखे, चाहे वो मोदी से पहले हो या योगी जी से पहले हो? मोदी आए हैं और योगी जी आए हैं तभी परिवर्तन हुआ है काशी में। क्या क्या परिवर्तन आपको लगे हैं आप काशी के? बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। रोड भी बना है, सफाई नहीं था घाटों पे सफाई है और बहुत सारी नए नए कार्य हुए हैं हमारे मोदी जी के आने से और योगी जी के आने से। हर जगह जो है हम सभी अच्छे से घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं मंदिरों में जा कर के। और मंदिरों में परिवर्तन का कार्य चल रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है, बहुत सारी परिवर्तन। कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग नाखुश हैं, जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें कुछ मंदिर निकल के आए, उनको उन पे नई जगहों पे कुछ बनाया भी जा रहा है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, कुछ लोग उससे नाखुश भी हैं। क्या कहेंगे आप जो ये लोग बोल रहे हैं? देखिए, कोई भी बड़ा आदमी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, बहुत प्रबुद्ध हैं, कोई भी कार्य होता है काशी में या अन्य जगह तो सभी सोच समझ कर ही करते हैं। सुंदरीकरण हो रहा है तो सुंदरी का मतलब होता है सुंदर, जो भी कार्य हो वो सुंदर होता है। तो मंदिर के जितने भी इर्द गिर्द में घर हैं वो तोड़े गए हैं, ये तो सभी जानते हैं। तोड़े किस लिए गए हैं? क्योंकि सुंदरीकरण करने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को अच्छा व्यवस्था देना चाहते हैं कि वहाँ लोग जा कर के दर्शन करें, देखें और देखने के बाद जो है आनंद की अनुभूति हो। तो हमारे काशी में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, नई नई परियोजना आ रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हुए हैं। बहुत प्रधानमंत्री आए और गए, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और अब हमारे काशी में या हमारे देश में देश को चलाने के लिए प्रधान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। सर आपका नाम सबसे पहले? चंद्रमौलेश्वर शुक्ल। तो आप क्या कहेंगे, जो 2022 के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो लोग हम जनता के मूड जानने आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या कुछ कार्य हुए हैं जिनसे? बहुत से कार्य हुए हैं, जैसे आप ये घाट पे पहले भी आए होंगे, कितनी व्यवस्था यहाँ पहले से सुदृढ़ है। उसके बाद में आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जितने गुंडे माफिया हैं सब जेल जा रहे हैं, सबकी संपत्ति जब्त हो रही है। जो विगत 70 साल में जितना काम नहीं हुआ वो मात्र 6 साल में हुआ है। चाहे वो रेलवे का काम देख लीजिए, चाहे रोड का काम देख लीजिए, चाहे नेशनल हाईवे का काम देख लीजिए,
ये सब तो कार्य हो रहे हैं, लेकिन विरोधी बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो अलकायदा के दो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको बोल रहे हैं यूपी पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, ये गलत हुआ है। उनको यदि वो उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या उनको अपने प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं होगा? यही पुलिस थी जो पिछले 5 साल उनके पास थी, तो क्या ये उन पर भी सवाल उठा रहे हैं? वही तो पुलिस है, वही तो पुलिस है, तो तब क्यों नहीं उठाए, आज क्यों उठा रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि जब आप यहाँ पर काशी में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ की महिलाएं सेफ हैं पहले से पिछले रात? बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ। तो आपको लगता है कि 2022 में फिर से सीएम योगी जी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर आचार्य जी आपका क्या कहना है इस पर? मेरा भी यही मत है कि प्रधानमंत्री जी आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, हमें ये विश्वास है। अभी तो 22 आ रहा है। बहुत शुक्रिया। योगी जी के बारे में क्या है, 2022 में वो फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, योगी जी आएंगे जी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशीवासी, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या कार्य रह गए हैं शेष। तो सर पहले आपका नाम? नाम है अनिल कुमार मिश्रा, मैं वकालत करता हूँ, वकील हूँ। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले से कुछ व्यवस्था, कुछ विकास हुआ है, जैसे कॉरिडोर हुआ है वहाँ से, और यहाँ पर कुछ घाटों के सुंदरीकरण हुआ है, और सब ये सब हो रहा है। मतलब काशी में मतलब यही सब हो रहा है, और बल्कि गंगा जी का सफाई जो वो अभियान जो था, ये जो नाला गिर रहा है वो, उसके बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर वो सुधर जाए तब काशी का मतलब जल जो है वो शुद्ध हो जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि राजनेता जो होते हैं वो बस वोट पाकर गद्दी अपनी पकड़ लेते हैं और 5 साल बाद फिर से वो गद्दी को पकड़ने के लिए फिर से जनता के पास आ जाते हैं, काम काज कुछ नहीं करते। तो क्या आप कहते हैं योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में? योगी जी के बारे में है कि वो पहले से कुछ सुधार किए हैं, यहाँ पर जो गुंडागर्दी थी कुछ कम हुई है। आप गुंडागर्दी एवं माफियाओं पे जो शिकंजा कसा, हाँ उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार हुआ है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है काशी का, वो पहले से जो सड़कें हैं वो थोड़ा बनी हैं, और हर व्यक्ति के अंदर जो डर था वो थोड़ा डर कम हो गया है, और हम कोई सुख चैन से जी रहा है। पहले था कि यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, माफिया बहुत ज़्यादा थे, अब उन समूह के ऊपर योगी ने बहुत अच्छा किस मतलब मुख्तार अंसारी या जो है उन समूह के पूरे सब लिया है। और आप कहते हैं कि ये अच्छा हो रहा है? अच्छा हुआ है पहले से, लेकिन क्या आप 2022 में फिर से इनको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते? 2022 में अगर यहाँ मुख्यमंत्री जो बने तो सबसे पहले ये बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, जो युवा बेरोजगार हैं अभी भी घूम रहे हैं, इसके बारे में सरकार ने कुछ किया नहीं है। अगर बेरोजगारी दूर होगी तभी देश का विकास होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने उनको सर्टिफिकेट भी बांटे थे रोजगार के, तो क्या आप उससे खुश नहीं है? उससे बहुत लोगों का फायदा बहुत कम हुआ है, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। ज़्यादा फायदा जब होगा जब हर कोई को, जैसे हर कोई काम पर जाने लगे, अब तो लॉकडाउन की वजह से हर व्यक्ति अपने घर में ही अधिकतर रह रहा है। और तो 2022 में हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री बने तो देश का विकास करे, रोजगार मिले, हर मतलब युवकों का रोजगार मिले, तभी देश में अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।